केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के मार्गदर्शन में हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में आयोजित किए जा रहे सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे संस्करण के तहत बड़सर विधानसभा क्षेत्र में प्रतियोगिताओं का आज शुभारंभ हो गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने किया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक बलदेव शर्मा, खेल महाकुंभ सह संयोजक नरेंद्र अत्री, खेल महाकुंभ आयोजन समिति के सदस्य अभय वीर सिंह लवली, अजय रिंटू, अनिल परमार सहित बड़सर विधानसभा क्षेत्र के भाजपा और भाजयुमो के कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित करके किया गया। प्रतियोगिता में बड़सर विधानसभा क्षेत्र की इस बार 125 टीमें ने अपना पंजीकरण करवाया है तथा 100 से अधिक एथलीट इस बार अपना भाग्य आजमाएंगे। पहला मुकाबला कबड्डी का आयोजित किया गया, जिसमें ग्राम पंचायत धंगोटा व ग्राम पंचायत चकमोह की टीमों ने भाग लिया। कैबिनेट मंत्री सरवीण चौधरी ने केंद्रीय मंत्री व हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं को खेल से जोड़े रखना व उनका सर्वांगीण विकास करना बहुत जरूरी है, जिसमें सांसद ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। सांसद खेल महाकुंभ के साथ केंद्रीय मंत्री ने जनता को स्वास्थ्य के साथ साथ स्वास्थ्य की जांच को भी घर द्वार तक पहुंचाने की सुविधा उपलब्ध करवाई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा संसदीय क्षेत्र में शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रम आज देश में पहचाने जा रहे हैं। उनके कार्यक्रमों को अपने क्षेत्र में भी लोग शुरू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुराग ठाकुर के प्रयासों से युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच तो मिल रहा है, साथ ही खेलों में अपना भविष्य संवारने का मौका भी मिल रहा है। देखिए, इसको आज से 3 साल पहले सांसद महोदय ने, माननीय श्री अनुराग ठाकुर जी ने, स्पोर्ट्स के केंद्र में मंत्री भी रहे, तो उनके माध्यम से ये शुरू किया गया। कोविड युग में थोड़ा सा इसमें ब्रेक लगी, लेकिन ये गांव के आम जो युवा लोग हैं उनके लिए सांसद महाकुंभ का एक अलग से महत्व है, और इससे जो प्रतिभा है इंटरनेशनल लेवल तक भी निकल के सुंदर तरीके से आगे आएगी। क्योंकि हमने देखा है हमारे देश में और विशेष रूप से हमारे प्रदेश में एक आध पदक के अलावा, चाहे वो ओलंपिक की बात हो, चाहे आईपीएल मैचेस हो, कुछ भी हो, इतने खिलाड़ी उभर के सामने नहीं आ पाए। क्योंकि पुराने वक्तों में कुछ ग्रामीण खेलें होती थी, उनसे भी मनोरंजन करते थे बच्चे, लेकिन जिस तरह से टीवी, व्हाट्सएप, मोबाइल्स के प्रभाव से बच्चों का सिटिंग हो गया कोविड युग में, तो बिल्कुल ही बच्चे जो है आपने देखा, पढ़ाई बैठे बैठे ऑनलाइन होती रही, उनका आप देखें बच्चों के वेट भी कितना हो गया, उनको खेल की एक्टिविटीज़ में कहीं पे भी भाग लेने का मौका नहीं मिला, चाहे उनके स्कूल में, कॉलेजेस में। और जिस तरीके से सांसद महोदय ने इनिशिएटिव लेकर इस काम को शुरू करवाया, और ये दोबारा दूसरा चरण जो इसका शुरू हुआ है, निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के जितने भी लोग जो प्रतिभा रखते हैं खेलों में आगे आएंगे बच्चे, और उनके लिए 50 लाख रुपए तक की धनराशि तो इनाम में दी जा रही है। उसके अलावा बाकी सारी फैसिलिटीज सांसद महोदय श्री अनुराग ठाकुर जी कर रहे हैं। मैं उनको बधाई भी देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने इस प्रदेश के युवाओं को आगे लाने के लिए सांसद महाकुंभ जो है शुरू किया है, वो केवल यहाँ हमीरपुर में ही नहीं, पार्लियामेंट्री में बाकी जगह पे भी वो इनिशिएटिव लेकर आगे बच्चों को करेंगे। और एक दूसरा मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरीके से उन्होंने सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा भी शुरू की थी, ऐसे ऐसे इनिशिएटिव जब कोई सांसद लेता है, और उससे बहुत गरीब लोग हैं जो बीपी का, शुगर का मेडिसिन, नॉर्मल मेडिसिन नहीं खरीद पाते हैं। अब हम लोगों को जब मेडिसिन हम लेते हैं तो पता लगता है कितने हजारों में महीने की मेडिसिन आती है, तो जिस तरीके से उनके फ्री टेस्ट, फ्री मेडिसिन की सुविधा जो उन्होंने हमारे यहाँ पर 17 एम्बुलेंसेस हमीरपुर में दी, और उससे भी आगे बढ़ के उन्होंने जो है पूरे प्रदेश में भी इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे काम, ऐसे इनिशिएटिव जो हैं, जो मैं अभी सांसद महाकुंभ में अभी पहुँचूंगी, और वहाँ पे बहुत सारे युवाएं मैं रास्ते में देख रही थी वहाँ पे पहुँचे हैं, अपनी अपनी प्रतिभा को बिखेरेंगे, और हम सब जो लोग हैं उनको अप्रिशिएट करेंगे। तो इन सारे कामों के बीच में मुझे लगता है ये विदेशों में भी हम देखते हैं कि आधे से ज़्यादा यूथ जो है खेलों की ओर अग्रसर है,
और इसीलिए वो हर ओलंपिक्स में या दूसरे तीसरे सब मेडल्स वो ले जाते हैं। उसी तर्ज पर हमारे हिमाचल में और प्रदेश में जो है हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर बड़सर के पूर्व विधायक व भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव शर्मा ने कहा कि महाकुंभ में बड़सर विधानसभा क्षेत्र की 125 टीमें और 100 से अधिक एथलीटों ने अपना पंजीकरण करवाया है। उन्होंने कहा कि युवा खेल महाकुंभ में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं और सांसद खेल महाकुंभ में बड़सर विधानसभा क्षेत्र के युवा भी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने के लिए ये बहुत अच्छा एक कदम है और बड़सर विधानसभा क्षेत्र इस कदम में अपना सहयोग कर रहा है। में भारी जोश है। आज से 3 साल पहले भाई अनुराग जी ने खेल महाकुंभ की शुभारंभ किया था और पार्लियामेंट के अंदर अच्छा उसका एक अच्छा मैसेज किया था, क्योंकि जो गांव में जो हमारी प्रतिभा छिपी है, जो बच्चे हमारे गांव में हैं, नौजवान हैं, और गांव का बच्चा बाहर खेल नहीं सकता है, उनको खेलने के लिए एक स्थान दिया था अनुराग जी ने। तो 3 साल पहले ये खेल महाकुंभ बहुत कामयाब हुआ था और हमारे लगभग 100 टीमों ने उस टाइम भी भाग लिया था बड़सर विधानसभा क्षेत्र से। और उसके बाद 2 साल में कोरोना महामारी के कारण नहीं हो पाया। अब फिर खेल पार्ट 2 में खेल महाकुंभ होने जा रहा है, उसमें लगभग 125 टीमें बड़सर विधानसभा क्षेत्र की भाग ले रही हैं और 100 एथलीट इसमें भाग ले रहे हैं। अनुराग भाई जी की सोच है, इसमें लगभग 50 लाख के तो इनाम रखे हुए हैं और बच्चों को भी शर्ट कमीचें भी दी जाएगी, उनको कमीशन दी जाएगी और सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे, ताकि बच्चे यहाँ खेलकर जिला में जाएं, जिला के बाद पार्लियामेंट के अंदर जाएं, प्रदेश में जाएं, देश में जाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बच्चा को आगे बढ़ने का मौका मिले और स्थान मिले। इसी उद्देश्य से भाई अनुराग जी यहाँ काम कर रहे हैं और हमारे नौजवानों में काफ़ी जोश है।